इंडियन मार्केट के अंदर काफी अच्छी कीमत पे, मतलब बजट के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन प्रीमियम हैचबैक कार अवेलेबल है। तो ऐसे में अगर आप लोग भी एक प्रीमियम हैचबैक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों को लेकर, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रीमियम हैचबैक गाड़ी अवेलेबल है। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज आते हैं दो प्रीमियम हैचबैक गाड़ी के अंदर जो कि बजट के अंदर आती है, ऑब्वियसली बात है। एक है हुंडई i20 N लाइन और दूसरी है टाटा की ऑल्टो i10। इसके बीच में काफ़ी कंपटीशन रहता है, बहुत से लोग कंपैरिजन करते हैं और लेने से पहले भी और लेने के बाद भी। तो इस वीडियो में इन दोनों के कंपैरिजन लेके आया हूँ जिससे आपको आसानी होगी इन दोनों गाड़ियों को समझने में कि कौन सी कार का स्टाइल, डिज़ाइन और परफॉर्मेंस आपके लिए बेस्ट है और आपके बजट में है। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मेरे इस वीडियो के तीन मेजर पॉइंट होंगे, फीचर्स, इंजन और प्राइस। तो पहले तो बात करते हैं फीचर्स की। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो रेगुलर i20 की कंपैरिजन में नई हुंडई i20 N लाइन के अंदर कुछ ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जिससे कार का लुक और फीचर और भी डैशिंग हो जाता है। नई i20 N लाइन में स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट के साथ साथ ट्विक्ड सस्पेंशन, लोअर ग्राउंड क्लियरेंस और बेहतरीन स्टीयरिंग फीचर मिलते हैं। हुंडई के i20 वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप से इंस्पायर्ड है। हॉट हैच के अंदर एक काफी अच्छा पैटर्न है और N लाइन बैजिंग के साथ एक ब्लैक ग्रिल है और एक अग्रेसिव डिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बम्पर है। और इसके साथ ही ब्लैकआउट साइड स्कर्ट, 17 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील्स और क्रोम ट्विन है। और अगर मैं बात करूँ टाटा ऑल्टोस i10 के फीचर की तो ऑल्टोस i10 में कस्टमर को एक्सप्रेस कूलर, पर्सनलाइज्ड स्क्रीन वॉलपेपर, वन शॉट पावर विंडो और हरमन के 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलते हैं जिससे बेहतरीन सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। तो किसी भी ट्रिप पर, मतलब रोड ट्रिप पर, जो आपका एक्सपीरियंस उसे और बेहतर बनाता है। तो अपने वीडियो के दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मतलब इंजन की। तो अगर मैं बात करूँ हुंडई i20 N लाइन के इंजन की तो इसमें आपको 1 लीटर का GDI पेट्रोल इंजन मिलता है जो 118 bhp का पावर देता है और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हुंडई i20 N लाइन के अंदर आपको पैडल शिफ्टर के साथ 7 स्पीड डुअल क्लच गियरबॉक्स मिलते हैं और इस क्लच को जोड़ने के बाद ये इंजन, मतलब 1 लीटर वाला ही, 20.25 किलोमीटर पर लीटर का जो है माइलेज देती है। और हुंडई i20 N लाइन 9.9 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ टाटा ऑल्टोस i10 के अंदर जो BS6 बेस्ड है उसके अंदर आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 5,500 rpm 110 PS का पावर देता है और 1500 से 5,000 rpm 140 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो बात करते हैं मेन मुद्दे की, मतलब प्राइस की, जिसके अकॉर्डिंग पे आप अपनी गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो। तो हुंडई i20 N लाइन की जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 9,84,000 से, जबकि टाटा ऑल्टोस i10 की जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 5,89,000 से स्टार्ट होती है। मतलब यह है प्राइस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, इसकी वजह से आपको फीचर्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा जो टाटा ऑल्टोस i10 के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू हुंडई i20 N लाइन। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आपको इन दोनों में से कोई लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए। तो सीधा सीधा हिसाब है, आपको अपने बजट के हिसाब से देखना चाहिए कि कौन से आपके बजट में आ रही है, क्योंकि दोनों ही प्रीमियम हैचबैक गाड़ियां हैं, इनके अंदर आपको फीचर मिलेगा नो डाउट, बस ही किसी में कम मिलेगा किसी में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस है, 3-4 लाख का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपका बजट इतना ऊपर नीचे है तो। बाकी अगर आपको बाइक्स, कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो और अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।